कुवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वासयोग्य होने के लिए जैसे दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। कहिंदा कुवारियां दे लई प्रभु दे वलों मैनू कोई भी आज्ञा नहीं मिली, मतलब कुछ कम उन्हें साडे लई छड्डिया सीगा। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर दी। समझ रहे हो तुसीं? कहिंदा कुवारियां दे लई मैनू कोई भी आज्ञा नहीं मिली, क्योंकि उन्हें इको गल्लां पिछले प्रचारां दे विच दस दित्तियां, परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप। कहिंदा अगर तुहाडा परमेश्वर नाल मेल मिलाप, जिद्दां मैं परमेश्वर तों सुन के थाडे तक अपनियां पत्रियां समझा भेज दित्तियां कि प्रभु दा दिल की आ, उहदा दिल खोल के थाडे सामने रखता कि प्रभु दे दिल च आया, उहनूं खुश करो, उहनूं प्रसन्न करो, आशीषां लै लो। कहिंदा मैं दिल खोल के रखता परमेश्वर दा थाडे सामने, किद्दां? अपने आप नूं कहिंदा मैं मारिया, कुटिया, बस विच कीता, मैं जो नहीं करना चाहता मेरे तो हुंदा, जो मैं करना चाहता हुंदा नहीं आ, बहुत रुकावटा आईया, पर मैं अपने नूं मारदा, कुटदा, बस विच करदा कि उपरों रेवलेशन लै सकां, भेद दीआं गल्लां लै सकां, प्रभु दी आवाज़ नूं थोड़े उत्ते पहुंचा सकां। हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ नूं पहुंचाया थोड़े तक। अते उस तों बाद की आ, उन्हें कुछ कुरंथियां दे विच इस तरह दी गल्लां दसियां, परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप तुसीं किद्दां कर सकदे। उह जाण गया कि अगर तुहाडा परमेश्वर नाल मेल मिलाप हो चुका, जिद्दां मैं उपरों ग्रहण कर पाया भेद दीआं गल्लां, रेवलेशन दीआं गल्लां, इसे तरह तुसीं खुद परमेश्वर दा दिल दीआं गल्लां तुहाडे उत्ते प्रगट हो जाणगीआं प्रभु यीशु मसीह दे नाल। इस लई सब तों पहलां तुहाडी जिंदगी दे विच की चाहीदा? परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप। अपना मेल मिलाप नूं लभण तों पहलां तुहाडा किहदे नाल मेल मिलाप होना चाहीदा? परमेश्वर दे नाल। बाइबल दे विच लिखिआ परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवकाई दी। इंसान का आदम का कला रहना अच्छा नहीं है, उसने उसके लिए एक औरत को बनाया। क्यों? उसकी नीड्स है, उसे पता है कि कला रहना सही नहीं है, इसलिए उसके लिए एक औरत बना दी कि वह इसकी सहायक हो, मेल खाती हो, हेल्पर हो। औरत की है एक बंदे की हेल्पर, मतलब की है बंदा औरत तो बिना अद्धा है, अगर वो 50% है, जो वो मैरिज हो जाती है वो 100 हो जाता है, वो फुल हो जाता है, और वो जो कुआरे दे विच नहीं कर पाता वो मैरिज दे विच कर पाता। हालेलुया, अगर वो परमेश्वर दे नाल संबंध रिश्ता सही है, और अगर वो सही डिसीजन लै पाया, हालेलुया, अपनी लाइफ का मैरिज का। इसे तरीके दे नाल क्या है, पर पौलुस ने कहा कि जब तुम परमेश्वर नाल मेल मिलाप करोगे तो वो गल्लां तुहाडे उत्ते प्रगट हो जाणगीआं जिहड़ियां तुहानूं मैं दसना चाहुंदा है। सानूं चाहीदा की है? तुसीं लभ की रहे हैं? तुम चाहते हो मेरी मैरिज हो जाए, मैरिज हो जाए। तुम मैरिज नहीं चाहिए, तुम अन्ने पास का गिफ्ट चाहिए पहला, समझ रहे ना? तुम पहला दुनिया का कोई मैनू प्यार नहीं करता दुनिया के, तुम दुनिया नू, दुनिया में प्यार करने वाले नहीं तुम चाहिए, तुम पहला परमेश्वर का प्यार चाहिए है। हालेलुया, परमेश्वर ना तुम सके नहीं है, दुनिया तुम्हारा प्यार नहीं करोगे, तुम परमेश्वर ना प्यार नहीं करते तुम कभी दुनिया प्यार नहीं करेगी। हालेलुया, रिश्तेदार प्यार नहीं करेंगे, अपने प्यार नहीं करेंगे, बिजनेस के लोग प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर नूं प्यार, जो परमेश्वर नूं प्यार करता संसार उन्हूं प्यार करता। हालेलुया, किन्ने लोग अपने स्पिरिचुअल फादर नूं प्यार करते? क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर नूं प्यार करता, इसलिए तुसीं मेरे नाल जुड़े और आए हैं, खड़े हैं। हालेलुया, इसलिए तुसीं परमेश्वर नूं प्यार करोगे तुहाडे नाल लोग जुड़नगे, तुहाडे नाल बैठना पसंद करनगे, तुहाडे नाल सुनना, तुहानूं मिलन लई वेट करोगे दो दो घंटे, क्योंकि तुसीं परमेश्वर नूं प्यार करदे हो, दुनिया उन्हूं प्यार करोगे क्योंकि तुहाडे अंदर परमेश्वर दे गुण दिखोगे लोगों नूं। हालेलुया, इसलिए पहला मेल परमेश्वर ना मेल मिलाप, और जो गैर जवान जिन्हें को नहीं रोजे रख के प्रेयर करो। आने वाले समय कोई भी कदे भी लोग आते मेरे को ऑफिस, पापा जी मैंने गैर जवान चाहिए, मैं डोंट वरी मिल जानी जल्दी, कोई भी मीटिंग आ मैं आने वाली मिल जानी, तुम डोंट वरी चलते जाओ मिल जाएगी। हालेलुया, जो गैर जवान च प्रेयर करते हैं थोड़े वो विषय लिए प्रेयर होंगी जिसे तुम मूँह नाल बोल के नहीं दस सकते, प्रभु मैं ये चाहिए वो चाहिए, प्रभु मेरे इस विषय से काम कर, मैं मैरिज करा, जॉब करा, हजे वेट करा, और इस तरह सही है जो नहीं है, मतलब क्या है तुम अपने बोलन, पर जो गैर जबान प्रे करते हैं उन्होंने विषय लिए प्रेयर होंगी जो थानू चाहिए, जो आत्मा लिए चाहिए है, मूँह ना तो शरीरक विषय लिए प्रार्थना करोगे, पर जो गैर जबान प्रे होंगी तुम्हारी आत्मिक विषय लिए प्रार्थना होंगी है, तुम गैर जबान प्रे करते, इसलिए कलीसिया के कदे कदे बोलन को कहा जाता गैर जबान के प्रार्थना, ताकि थोड़ी प्रार्थना परमेश्वर अगे जाए और परमेश्वर की आवाज़ वो दास के अगे आए और थोड़ी प्रार्थना का उत्तर थानू मिल जाए। हालेलुया, और आत्मा संतुष्ट हो जाए, मजबूत हो जाए, दलेर हो जाए थोड़ी आत्मा। हालेलुया, और वो फल लेके आवे, रिजल्ट लेके आए, सब बोलो आमीन। मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई सी इंग्लैंड के लड़के के नाल, प्रभु के नहीं से, वो कहता से एक साल बाद आके मैरिज करावे, एक साल होया आया नहीं, दूजा साल हो गया फिर इंग्लैंड तो नहीं आया, तीजा साल हो गया फिर इंग्लैंड तो नहीं आया। उस तो बाद की है फोन पर तो गल हो रही है 14-14, 15-15 दिन बाद, हूँ तो वट्सअप मिनट से अच्छ रोज़ ही गल हो जाती है, 14-15 दिन बाद कॉल आती होंगी हफ्ते बाद, तो की है उस तो बाद क्या आया, तीसरे साल तो बाद फोन ही आना बंद हो गया, एक साल उन्होंने फोन नहीं आया, भैन डिप्रैशन के
रू रू के अखां कालियां कालियां टोटली इत्थों कोई लुकिंग ध्यान नहीं अपनी कोई कंघी का ख्याल नहीं नॉर्मल जी लाइफ जीण लग पई। बहुत पाठ पूजा करते सी तीन तीन घंटे असी करना सुबह उन्हें दोपहर मैं तो कल्ला सुबह करता हुंदा सीगा जो दो घंटे तीन घंटे का उन्होंने पता नहीं सुबह भी करना भी पता नहीं की कुछ करना उन्हें हालेलुया। पर की है लाइफ विच एड्डी वड्डी प्रॉब्लम चल रही थी उस तो बाद उन्होंने जो ये चीज़ चलती रही फिर की होया टेंशन लैके हुण जो चर्च में आए मैं तुहानू दसना चाहना तुहानू दुनिया के रिश्ते नहीं तुहानू परमेश्वर की लोड़ आ जीण दे लई जिंदगी। मैं अगे जाके ये गल्लां दसांगा कि तुहानू बंदे बंदे की आत्मिकता चाहिए है ना कि बंदे का सुंदरता देख के तुसी चुने हो चुनाव करो ना ही बंदे पैसा देख के चुनाव करो ना ही उसकी लुकिंग देख के चुनाव करो सब तो पहला अंदरला चुनाव होना बहुत जरूरी है हालेलुया। और उस तो बाद क्या आया उस तो जो हूँ उन्होंने ये चीज़ हुई परमेश्वर के गए देखो प्रभु के गए चर्च जाने शुरू हुई वचना के नाल जिंदगी जीनी आ गई। पहला प्रॉब्लम उत्थे दी उत्थे कड़ी तीन चार एक तो एक दो तीन महीने चर्च गए सब तो पहला प्रार्थना करनी आ गई बाइबल पढ़नी आ गई रोजे रखने आ गए शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर भी चर्च पहुँच जाते होंगे सके। फिर उस तो बाद हुण की आ गया प्रभु हुण तेरी योजना मेरे लिए भली है सारे कहिंदे होर रिश्ता देख लैंदे आ होर कोई रिश्ता देख लैंदे आ भी मुंडा चार साल हो गए फोन तो आंदा ही नहीं है कुछ भी हल नहीं हो रहा कोई कह रहे यार देखो जी इंग्लैंड तो आ अमेरिका तो आ उत्ती हैं ये एज बहुत आ यदा इदा आदा वो आ रिश्ता वधिया बाहर का पर ऐ आ ओ आ इदा चलो जी बहुत कुछ आ रहा पर की है प्रभु च आके प्रभु हुण मैं कोई चिंता नहीं करनी तुसीं अपनी सारा बोझ अपनी सारी चिंता मेरे उत्ते सुट दो मैनूं तुहाडी चिंता है। उस तो बाद उन्हें सारा बोझ प्रभु उत्ते सुट दिता क्योंकि प्रभु ने सूली उत्ते चुक लिया साडा बोझ हालेलुया। चिंता करनी बंद की अखा सही हुई लुकिंग सही हुई सब कुछ अपना ख्याल रखना शुरू होया प्रभु दे विच आनंद नाल चल रहे हैं विश्वास नाल चल रहे हैं तो की होया क्रिसमस आले दिन उहदा खुद मैसेज आ रहा हैप्पी क्रिसमस मैरी क्रिसमस अते उन्हें गल करनी स्टार्ट की कहिंदे पता नहीं मैनू की हो गया सी मैं एक साल तेरे नाल गल नहीं की मैं सॉरी मंगदा पता नहीं मैनू की हो गया सी। इदां ही डैवल आ तुहाडे रिश्तियां नूं लोकां दे मनां च सोचां च पा के कुछ भी कर दिंदा है लोकां दी जिंदगियां खराब कीतियां हुई हैं पता नहीं मैनूं की हो गया। यीशु मसीह दे विच आ गए और डैवल छड के गया और फ्री होए। उस तो बाद उन्होंने गल करनी शुरू की जिहड़ा 14 दिन बाद कॉल आंदा सी रोजे आना शुरू होया तीन दिन बाद दो दिन बाद एक दिन बाद इन्ना प्यार वधिया। उस तो बाद डिसीजन आ गया लाइफ दा डिसीजन सिस्टर ने सोचा कि परमेश्वर ने हुण वी मैनूं दित्ता है परमेश्वर ने सब कुछ बदलिया है कुछ समा बीतिया गल चल रही है हुण मैं आवांगा इंडिया आवांगा मैरिज करवावांगा अते अगला फैसला उहदा की सिस्टर ने किया। एक टाइम आया जदों पता लगा अच्छा साडी मूर्ति पूजा दे तरीके नाल मेरी मैरिज होएगी अते उहने चोण लई अच्छा मूर्ति पूजा दे तरीके नाल मेरी मैरिज होएगी नहीं मैं मूर्ति पूजा मैं तो हुण चुक नहीं सकती मूर्ति दे अगे परमेश्वर ने मेरे इहदे चीज़ छुड़ाया परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं आ वो जिंदा परमेश्वर आ इत्थे कोई मूर्ति नहीं आ असी मूर्ति उत्ते बिलीव नहीं करते असी जिंदा परमेश्वर उत्ते बिलीव करते हैं मैं परमेश्वर सिद्धा शद्रक मेशक अब्दुनगो दानियल नहीं चुके मैं भी चुकना नहीं है मूर्ति अगे परमेश्वर चाहे तो मैंने आशीष मैंने देती है पर मेरी जिंदगी विच आशीष तेरे नाल वध के कीमती नहीं है। हालेलुया। कई लोग समझौता कर लेंगे अपनी लाइफ के नाल समझौता कर लेंगे कोई नहीं प्रभु देख लेंगे कोई नहीं प्रभु हुण चलो इदां ही उदां ही समझौता ना कभी भी अपनी लाइफ ना करना परमेश्वर का इनकार ना कर देना। हालेलुया। कल मैं किसी की बहुत बड़े प्लेयर की टेस्टिमनी सुन रहा सुनावगा तुम उसने बाद चो मैं और क्या आया नहीं परमेश्वर तू मेरे लिए करेगा अते उन्हें फैसला लिया कि हुण मैं प्रभु तेरे विच मैरिज करवानी है उन्हें प्रेरणा की उन्हें प्रभु जो भी मैं गल करा तेरा आत्मा मेरे नाल हो गई गल की कि मैं प्रभु यीशु मसीह नूं मानदे थानू दस्सिया आप चर्च जाने प्रार्थना करते हैं तो ये असं चाहते हैं कि मैं इदा नहीं चुक सकती मैं चाहनी क्रिश्चन मैरिज ही अपनी होवे प्रभु का वचन वगैरह शेयर किया वचन वगैरह दस्या कहिंदे ठीक है जो तेरे लिए प्यार मेरे अंदर आया आ मैं तेरे लिए सब कुछ करने लिए तैयार इंडिया आया बपतिस्मा होया क्रिश्चन मैरिज हुई बाहर चले गए 7-15 दिन के साल बाद भैन का इंग्लैंड का वीज़ा लग गया अपना कर रहा अपन गड्डिया ब्लैस आ तारीफ करो परमेश्वर। मतलब की आ अगर वेट आ तो ग्रेट आ बस ये हालेलुया। देखो अगर तुम्हारी लाइफ इंतजार आ तो बेस्ट होएगा इंतजार करना मतलब इदा नहीं है पाप के चलते चलते इंतजार वो इंतजार नहीं है पवित्रता खड़ के फिर इंतजार करना वो वेट आ हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए फैसला किया सोचो अगर उस सोच ने कोई नहीं प्रभु दे इनकार कर दिने कोई नहीं बाद चो देखांगे
ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ। ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਆਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੂੰ ਖੋਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਵੇਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ, ਮੇਰਾ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਕੁਛ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੋਪ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ, ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਖੋਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਗਾ ਨਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲੇ ਲੋਈ ਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਚਾਰ, ਲੁਚਪੋਣ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ, ਚੋਰੀ, ਡਾਹ, ਨਸ਼ਾ, ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਵੋ ਨਰਕ ਕੀ ਝੀਲ ਮੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਆਪਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਯੇਸ਼ੂ ਪਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇਂਗੇ, ਇਨ ਪਾਪੋ ਕੋ ਛੋੜੇਂਗੇ, ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਕੋ ਇਨ ਪਾਪੋ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਾਈ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਡੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਅਰਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੋਲਰ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਲੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਹਾਲੇ ਲੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਮਰਪਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਲੇਅਰ, ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਬੋਲਰ ਬਣਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਫਾਸਟ ਬਾਲ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬੈਕ ਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇ ਲੋਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਲੋਈ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਲੇ ਲੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦਲੇਰ ਬਣੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਬਣੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇ ਲੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਨੈੱਟ, ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਹਰ ਗੱਲ ਤਲਾਕ, ਮਰਨ ਮਰਾਣ 'ਤੇ ਗੱਲ,
हर रोज न्यूज़ से बस इको खबर आती उन्होंने चैनल मशहूर हो ही जाते हैं उधर बंदे मरी जाते हैं हाले लोई की है बस तलाक सुसाइड धोखेदारियां कितना कुछ हो रहा इसलिए कहना जेडे प्रभु दे विच एक मन तुम मैं अज दसागा कि किदा चोन करनी है सब तो पहला मैं कुछ टॉपिक खोलांगा सब तो पहला थोड़ी बुलाहट नाल मैच खांदी होनी चाहिए है थोड़ी चॉइस कि थोड़ी बुलाहट की है कि थोड़ी बुलाहट नाल मैच खांदी है वो थोड़ी चॉइस जो तुम कर रहे हो जो परमेश्वर तुम्हें दे रहे हैं बहुत सारे इस तरह के चिन्ह जो लाइफ के देखने जरूरी है कि ताकि अगर बुलाहट नाल मैच खांदी ना हो कई जिंदगी पूरी जिंदगी खराब भी हो सकती है हाले लोई तो इसलिए अगर तुम स्पिरिचुअली अज इन वचनों समझ जाओगे तो एक सही डिसीजन लाइफ के लै पाओगे हम उन्हें लगता वो कहता मैं नहीं चाहता कि तुम मैरिज तो कहता तो शारीरिक दुख उठाने पैने बहुत सारे दुखों को उठाना पैंता मैरिज तो बाद बहुत सारी जिम्मेवारियां वधदियां बहुत सारे बोझ आते हैं फिर बेबी के खर्च तो लैके अगे पूरे पूरी एक फैमिली पहला तुम इसलिए सब तो पहला मेरे एक टॉपिक होर आएगा अगर मैरिज तो पहला तुहाडा अपना स्टैंड होना चाहिए अगर थोड़ी एज पई है मैरिज से जोर ना दो अपनी पूरी लाइफ उत्ते स्टैंड दे जोर दो मैं इदा दे बंदे देखे आ कुछ मेरे मिलन भी आए और इदा लोग देखे आ नहीं पासे हजे मैं कुछ नहीं मैरिज बारे सोच रहा बस मैं एको चीज़ सोच रहा बस मेरा स्टैंड होवे मैं ये बद रहा मैं अपना होर बधा रहा बिजनेस जां मेरा काम फिर मैं होर बधा रहा बस मेरा वो एको जनून है एको चीज़ है बस कि मैं अपने बिजनेस में स्टैंड करना एको चीज़ से टारगेट तो कुछ साल तक होना चाहिए इन्नी उम्र तक मैं केवल अपने करियर वाल ध्यान देना कुछ नहीं सोचना अज कदों अपने लिए लभन लभन के स्कूल होूल की पढ़ाई शुरू हुई ये तो नहीं मेरे लिए हजे टेंथ क्लास खत्म नहीं हुई ये तो नहीं मेरे लिए चलो जी टेंथ में कोई होर देख रहे थे हम प्लस टू चाहे स्कूल क्लासा बदल गई हूँ लगता ये तो नहीं मेरे लिए चलो जी हूँ उन्हें गल कर रहे उस तो बाद स्कूल लाइफ निकले हम कॉलेज चल गए उत्थे कोई होर किसी ना गल करना शुरू कर दी हम कॉलेज तो निकले हम यूनिवर्सिटी चल गए उत्थे किसी होर ना गल करनी शुरू कर दी मतलब हजे वो टाइम नहीं है वो एज नहीं है फिर कई लोगों ने पता जी हूँ 10 साल हो गए 11 साल हो गए हूँ तो करनी पैनी है हूँ तो बस हूँ तो बन हो गए हूँ तो करना ही पैना इमोशनल फैसले कदे नहीं लेने चाहिए मैरिज में याद रखना इमोशनल फैसले कदे नहीं लेने चाहिए वो हूँ तो करना ही पैना जी बन हो गए हैं जी स्पिरिचुअल फैसले लेने चाहिए प्रभु हर बंधनों को तोड़ भी सकता जिहड़े बन होए आ हाले लोई शरीरक बंधन है जो थोड़ी लाइफ लिए अगे सही नहीं है जी मैरिज तो बाद डिवोर्स होना जो अगर प्रॉब्लम पैना है गलत जगह मैरिज करवाना बंदा कहना ना होनी चंगी इन्ना कुआरा चंगा सी जिन्हां दे जिहड़े फस गए गलत मैरिज करवा के वो कहिंदा कुआरा चंगा सी इहदे नाल जो मेरी लाइफ विच होया तो इसे लई किदां प्रेरणा करनी है किदां फास्टिंग किदां अगला स्टैप मैं खोलांगा पर जरूरी की है इस तो पहला हजे तक कोई भी ना देखे अगर कोई थोड़ी एज बैठे 16 दे बैठे 17 दे बैठे 18 19 20 22 तो हजे तक तो अपनी सोचन नूं बंद रखो जल्दी चॉइस करोगे थोड़ी आशीष लाऊंगे वेट करोगे तो बेस्ट आशीष देगा थोड़ा तुम अज के तुम छोटे लैवल के बच्चे छोटे लैवल का चुनाव कर लोगे कल तुम हो सकता बहुत वड्डे लैवल से जाने वाले तो प्रभु ने थोड़े बहुत वड्डा लैवल आत्मिक लड़की या आत्मिक लड़का रखा हो समझ रहे ना जल्दी चुनाव ना करो बदो अपने आप अपने पूरे लैवल के उत्ते आओ फिर सोचो जब तक किदा किदा रहना किदा जीना वो मैं तुम्हें गाइड करा इस तरह अपने आप पवित्रता रखिया एको मैं जोत लेको चीज़ बोल दाना कि मैरिज तक अपने आप को पवित्रता च रखो बस होर कोई चीज लोड़ नहीं है बेस्ट मैरिज लाइफ ना प्रभु ब्लैस करेगा वो दा वायदा है हरे लोई बस दैट्स ऑल मैरिज तक अज लोग रहिंदे नहीं पवित्रता दे विच बेस्ट प्रभु नू की दे हरे लोई थानू सोचने की लोड़ नहीं है मेरे लिए बेस्ट कौन है आदम ने नहीं लभ्या मेरे लिए केड़ी होगी केड़ी मेरे लायक होगी केड़ी मेरे मेल खांदी होगी परमेश्वर ने देखिए आदम का कल्ला रहना सही नहीं है शेर नाल शेर नहीं है हाथी नाल हाथी नहीं है कबूतर नाल कबूतरी है ये कल्ला है ये नाल भी ना मेल खांदी मैं बनावा जो ये सहायक होवे अते परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला लिया वो पसलियां दे विचो पसली लई अते औरत नू बना दिता तो मतलब साडा एक पार्ट है ना तां ही एक पार्ट निकले तुसीं अद्धे आ जदों पसली नाल फिट होगी तां ही तुसीं पूरे हुंदे आ फिर हाले लोई जिहड़ी कढ़ी गई सी इसलिए मैं कह रहा तुम अद्धे हैं जब तक मैरिज तो बिना कहना मैं जेदा पार्ट निकले मैं ये बनावगा इसलिए थानू जोड़ नहीं है वो कहना मेरे राज नू खोज मेरी सेवा कर सारिया चीज़ा तेन पिछे पैके मिलनगियां तेरा बिजनेस तेरा स्टैंड तेरी वाइफ जो तेन चाहिए बच्चे चाहिए बाद चो सब कुछ तेन मिलेगा तू मेरे राज की खोज करता जा मेरे बच्चे वादा जा हाले लोई अज लो प्रभु च वध भी रहे मैं तो बहुत वधिया आत्मा चल रहा फिर भी मेरे लिए क्यों नहीं होंगे फिर उदो क्यों भुल जाता अगर वेट आता ग्रेट आ कई वेले परीक्षा होंगी है जिन्होंने प्रभु ने वड्डी आशीष देनी उन्होंने ज्यादा टाइम कुवारेपन च रहन दिंदा कि किन्ना क मेरे नाम दे विच जित पांदा लेकिन जो जय पाई उन्होंने मुक्त देगा हाले लोई
ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਰਹਿ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕਰਟ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਾਊਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲੇਟ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਲੇਟ ਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਆ ਫਿਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਖਦਾ ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਇਆ, ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਚੱਲ ਪਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੂਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨ। ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇ, ਸਮਝਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਪੜੀ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਲਾਂ ਆ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਰੁਕਿਆ ਰਹੇ, ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 10-11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਫੂਕਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਊਂਗਾ, 4 ਬੰਦੇ ਲੱਭੂੰਗਾ, ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਲੱਭੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਗੁੱਟਨੇ ਟੇਕ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦੋਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰਹੋ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚਾਵਾਂ ਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ? ਨੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਨੋ ਸਿਸਟਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਰਿਜ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੋ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਭਲੇ, ਚੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੇ? ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ, 12 ਚੇਲੇ, ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ, ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਿਰੇ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਉਠਾਏ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੀ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਵੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਇੱਦਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਲਾਹਟ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਰਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੁਲਾਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬੁਲਾਟ ਕੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਲੜਕੀ ਕੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਚਰਚ 'ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਤੀਆਂ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿਆਰ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿਆਰ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਿਆਰ? ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਚੁਣ ਲਈ ਲੜਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ। ਲੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੋਚਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਿਡ ਹੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਫਸ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਪੇੜ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਪੀਚੇਗਾ ਉਹ ਖੱਟੇ, ਮਤਲਬ ਫਸ ਜਾਊਂਗੇ ਅਗਰ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਲੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਿਰੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਏ, ਪਰਸਨਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੂ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਅੱਜ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਤਾਪ ਅਗਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਬਸ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਘਟੀ ਹੋ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਆਹ ਡੀਲ ਆ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਪੂਰੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਵਧਾਂਗੀ ਵਧਾਂਗੀ ਵਧਾਂਗਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਵਧਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਓਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਚੁਣਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੁਣਾਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਲੜਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਆਹ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਡ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਤਮਿਕ ਲੜਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਫੈਕਟਿਕਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਲੋਈ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਲੇ ਲੋਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਊਂਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਜੂਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਊਗੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਜੋ ਬੰਧਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ 2, 4, 5, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਫਾਈਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋਂਗੇ, ਲੜੋਂਗੇ, ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਾਂ 'ਚ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ
जो कह रहे उही मनना पैना, नहीं तो जा फिर अपने घर, हुण की करेगी? शराबी तो जो मनुख भरोसा करता है, इंसानों से भरोसा क्यों? उही भरोसा परमेश्वर से कर लो। प्रभु तू मैं वेट करा कि तू मेरे लिए अच्छा रिश्ता देवेगा परमेश्वर, तो इंसानों से भरोसा क्यों? कुछ चीजा तू कह सकते हैं हैंडल करनी पैनिया। परफेक्ट तुम सब कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बेस्ट नहीं मिलता। कुछ चीज़ा आपां नूं परफेक्ट अच्छा करना पैंदा है प्रेयर के द्वारा, कुछ चीज़ा बनिया बनाई मिलती हैं। तो इसलिए पहला अपना देखो मैं किस घराने विचों हाँ, कुछ क्लास फैमिली होंगी, फस्ट क्लास, सैकेंड क्लास, थर्ड क्लास, मैं किस क्लास फैमिली के विचों हाँ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड किदा दा आ, सब चीज़ों मैच करो। ठीक है, अगर मुंडा इस चीज़ चों डाउन आ तो साडा घर इस चीज़ चों डाउन आ। ठीक है, इदा असी अगर इस चीज़ चों हाई हाँ तो मुंडा इस चीज़ के विचों हाई है उन्हों की फैमिली। तो इस करके सब चीज़ा देखी जाए कि साढ़े आपस ही घर मेल मिलाप। ठीक है, और कास्ट के चक्कर कदे ना पैना, मसीह दे विच कास्ट नहीं देखी जाती। थानू आत्मिक थानू विजन दे विच आत्मा दे विच पहचान दे विच जाओ, कास्ट बारे चक्कर नहीं जी, ये कास्ट मसीह दे विच आपां इको ही हैं सारे। कोई आदम अते हवा नूं बनाया, होर कोई जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई। हालेलुया। तो इसलिए धर्म जात प्रतिपात विच कदे जाण दी सानू लोड़ नहीं है। मसीह दे विच सानू प्रभु ने एक किया है और परमेश्वर ने सानू ठहराया हुआ दुनिया उत्ते। और इस तरीके दे नाल क्या आया उस कौन क्या आया तुसीं देख सकते। सब तो पहला क्या आया, एक लड़का अगर आत्मिक है, अगर आप आत्मिक चोन करते हैं, लड़का आत्मिक आ, प्रेयर करने वाला आ, पवित्रता च रहने वाला, प्रभु का डर रखने वाला आ, माता पिता की आज्ञाकारी करने वाला आ, पत्नी नूं प्यार करने वाला आ, सहनशीलता दे विच आ, धीरज रखने वाला आ, बुद्धिमान आ, समझदार, पर क्या फाइनैंशली ज़्यादा ब्लैस नहीं है। छोटा मोटा घर आ, 5-6 हज़ार कमाता है, 7 हज़ार कमाता है, छोटा मोटा बिजनेस आ, छोटी मोटी रेहड़ी लाता है, दहाड़ी जुड़ी कर रहा है, जो एक स्कूल जॉब कर रहे 10 हज़ार मिल रहा, जो कोई सेंटर के जॉब कर रहा उ 15 हज़ार मिल रहा। हो सकता है कि वो लाइफ में छोटी ब्लैसिंग हो, पर आत्मिक हो। याद रखो अगर आत्मिक बुद्धिमान प्रभु का डर रखने वाला, एक दिन उन्हें बड़े लैवल पर पहुँच जाना है। अगर वो आत्मिक है परमेश्वर का डर रखने वाला, पर अगर एक थानू पहली फाइनैंशली बहुत ब्लैस मिल रहा है, दो तरीके होंगे। जे तुम देखो कोई होगा जो टोटली तुम सही मिल जाए, कोई होंगे बहुत, अगर मैं देखा जो लोग बहुत बिजनेसमैन आ, हाँ जी की करते हैं, अपना बिजनेस आ जी, अपनी फैक्टरी है, कुड़ी भी इदा नहीं चाहिए है जी, अपना बिजनेस हो, फैक्टरी हो, इदा हो। कुछ लोगों की इन्हों की वो चॉइस आ कि हाँ जी भी असं इदा दे, सू भी इस तरह, मतलब फाइनैंशली फैमिलीज वड्डिया हो, ब्लैस हो, पैसा दिखेगा पिछे 50,000 आंदा दिखेगा महीने का, पर की होएगा वो की आ, पाप के द्वारा होएगा। दो नंबर का भी हो सकता, झूठ के द्वारा भी हो सकता, लालच के द्वारा भी हो सकता, रिश्वत का भी हो सकता। तां की आ वह जिहड़ा अज तुहानूं कोठा दिख रहा, महल दिख रहा, उन्होंने थले आने मिनट नहीं लगना, लेकिन दुष्ट बंदे नू प्रभु फिसलने वाले स्थानों उत्ते रखता। दाऊद कहता मैं धार्मिकता चलता, पवित्रता ही चलता, मैनू क्यों नहीं आशीष मिलती, मेरी इन्नी वेट, मैनू कहता वेट करो वेट करो, पुछता अज पाप करता, अज पैग लादा, कल वीजा लवा लेंदा, अज मैं विचार करता, कल सरकारी जॉब ना ब्लैस हो जाता, मैं पवित्रता च रहना, मैनू क्यों नहीं आशीष मिलती। प्रभु कहता राम ना चुप कर जा दाऊद, लास्ट आयत नू पढ़ उहदे विच 73 च लास्ट विच लिखिया, जदों दाऊद कहता प्रभु तेरी हजूरी में जाना मेरे लिए भला है, कहना मेरा डग उखड़ने वाले थे, मेरा विश्वास कम होने वाला था, कि मैं जब सोचा कि दुष्ट बंदा ब्लैस हो ही जा रहा, धर्मी की इन्नी वेट क्यों, धर्मी ने इन्ना कुछ क्यों, मैं तो प्रभु को मानता, प्रार्थना करता, रोजे रखता, मेरा इदा क्यों। तो प्रभु ने ना गल की, जिहड़ा तू अज दुष्ट बंदा ब्लैस होंदा देखदा, उन्होंने प्रभु फिसलने वाले स्थान उत्ते रखता। मीह आनी अचानक, नेरी आनी, फर्श ते चल रहा बाथरूम च, एकदम पैर फिसलना फिकड़ना, रंग हो गया, फिर कहना जी मगरे छापा पै गया जी, CID वाले आ गए जी, टैक्स वाले आ गए जी, जीरो हो गई, सारी कंपनी डुब गई जी, मतलब उन्होंने शैतान दिंदा तो हैगा, एकदम वापस ले लैंदा। हालेलुया। प्रभु जो दिंदा परमानेंट दिंदा। हालेलुया। थोड़ा होएगा परमानेंट होएगा, मसीह जी की मेहनत व्यर्थ नहीं होएगी। हालेलुया। तो इसलिए सानू पहचानने की लोड़ आ आत्मिकता दे विच और सीर दे विच। उत्थे बहुत सारी चीज़ें तो सानू फाइन सामना करना पैंदा, परिवार का, फैमिलीज का, लोगों का, संसार का, चाचियां का, भूआ का, फुफड़ का, मामी का, बहुत सारी गल्लां होणगियां। पर की है, चुनाव देख लो, सब तो पहला तुहाडा है,
चुनाव तुसी करना है, चुनाव थोड़ा है। हालेलुया। जहां तक ही अगर ताकि फैमिली बुद्धिमान है तो फैमिली ताकि सोच लेगी, तुम टेंशन लेने की लोड़ नहीं। अगर तुम कर दे ताकि फैमिली में तुम अच्छा बच चुके हैं, बुद्धिमान है, उन्होंने सराहना करते हो, उन्हें कर सकते हो उस तो, नहीं तो फैमिली देखेगी। एक बच्चे के लिए माँ बाप जानते हैं कि वो की अच्छा है, की बैटर है, की सही है। हालेलुया। अगर माँ बाप बुद्धिमान है, हालेलुया, तो अच्छा सोच पाएंगे अपने बच्चे। तुम टेंशन लेने की लोड़ नहीं, अपनी पढ़ाई पर अपने स्टैंड बनाने पर जोर दो। आपे थोड़े माँ बाप थोड़े सही टाइम पर सही रिश्ता चुन देंगे। हालेलुया। और उस तो बाद आत्मिकता, हूँ आत्मिक वाला है, एक दिन ब्लैस हो जाएगा, वो थोड़े बच्चे बहुत वो आशीष होएगी। पर जिहड़ा जिहड़ा बहुत ब्लैस मैन होएगा वो कोल आशीष तो बहुत होएगी, पैसा तो बहुत होएगा, पर मीह आएगी नहीं आएगी, वो गिर जाएगा वो पैसा, शांति नहीं होएगी। देखो तो लाइफ जीनी आनी चाहिए है। मेरे को इदा भी लोग समझ लो झुग्गी वाला भी आ रहा, बस जी ये तीन चार दिन तो कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही, प्रार्थना करो। हाँ तुम प्रे की हम वधिया काम चल रहा, हूँ की आ वह भी बंदा टेंशन च है। हूँ जो बंदा कोई मिडल क्लास जिन्होंने फैमिली कहते लोग बोल बोल के जो कोई साइकिल है, स्कूटर आ, बाइक आ, वधिया गड्डी नहीं है, छोटी जी मरुति आ, बस उन्हें वह भी सोचता मेरे को आ क्यों नहीं है। पासी मेरे प्रे करो, मैं है ना वधिया एक गड्डी ले लवा, पासी मेरे प्रे करो मेरे मुंडे का दुबई का वीज़ा लग जाए, साडा काम बन जाए। मतलब उन्होंने भी नहीं चाहे ना, मेरे तो इदा के लोग भी आते जे पाँ लख महीने का एक एक लख कमा चैन उन्होंने भी नहीं है। वो कहते मेरे तो इन्ना क्यों नहीं है। मेरे तो इदा के भी आते जहाँ के मुंडा कैनेडा दे, लड़की अमेरिका दे, पास जी मेरी एक लड़की है जी, बड़ी टेंशन है जी, एदा नहीं बहर का बनता, सारी फैमिली बहर, मतलब वो भी टेंशन के। और एक इदा का भी जेडे को करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबा खरबों की है, पैसा खर्च उन्होंने एक नहीं है, सारे के केस चलते पे हैं, वो भी टेंशन के। मतलब कि जिंदगी जीनी सीखनी पैनी थानू। बाइबल च लिखा मेरी गल नहीं है, बाइबल किसी का भी जीवन धन की बतायत ना नहीं हों, समझना पैना। पैसे ज्यादा नाल तुहाडा जीवन अच्छा है कंपेयर नहीं कर सकते, तुसी मैच नहीं कर सकते। और आत्मिक बंदे दी प्रभु नूं मनन वाले दी कदे भी दुनियादारी वाले नाल आशीष दा मैच नहीं कर सकते। तुसी अगर वो लख कमांदा है, पांच लख कमांदा है, तो तुसी उहदी उहदे नाल उहदी हो सकदा उहदे पांच लख नाल उहदा 10,000 महीने का बेस्ट हो सकता। हालेलुया। मतलब आत्मिक बंदे नाल तुसी दुनिया दा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि बाइबल च प्रभु ने बयान कर दिता किसी का भी जीवन धन की बहुतायत ना नहीं होंगे। थोड़े को बड़ा धन है जी, धन ज्यादा ना, यह मतलब यही कि जीवन अच्छा है, धन ज्यादा ना अच्छा जीवन नहीं है। गल सोच है, सोच बदलनी है, सोच बदलनी है। टका तो उन्होंने भी नहीं आ रहा जिन्होंने को सब कुछ है। हूँ इन्होंने दिन होगे कोई मेरे को एसी क्यों नहीं है, बड़ी टेंशन, एसी आ जाए गर्मी च, एसी आ जाए पास प्रे करो, एसी आ जाए, एसी आ जाए। हम वो भी लाइफ कट रहे जिन्हें कोल घर नहीं है, तुम उन्होंने तो देखो जो तुहाडे कोल हैगा पहले वो धन्यवाद करो, देखो इन्ना दवेगा उन्हें रखने की जगह नहीं होगी। जितनी आशा ने धन्यवाद करो, धन्यवाद प्रभु। लोगों के कोल खाण लिए कुछ नहीं है, कई रात को बिना खाने तो सुते होने, मैंने तो हर रोज रोटी देना है प्रभु, धन्यवाद तेरा प्रभु। कई को लैन के लिए छत नहीं है, मैं देखे सड़क से सौंदे हैं, उन्होंने कोल चार दीवारी नहीं है, मच्छर भी आगे लड़ रहा है, साडे कोल पखा है, कई बिना पखे तो इन्हें गर्मियों के जून जुलाई के धुप के जदों बहुत कुछ बॉडी उत्ते निकल जाता, पैत पुत बोलते हैं, इदा के गर्मी के लोग रेंदे। और सड़क से उदो देखे सड़क बन दी होनी, लोग धुप्पे लगे होने, मजदूरी कर लगे होने इन्नी गर्मी के। इस वे मैं देखता तो तुम कदम किया नहीं प्रभु धन्यवाद, मेरे को छत हैगी है। एक राजा धन्यवाद करना भुल गया सगा मोरदगे के लिए, कहता राजे को सारी नींद नहीं आई, वो कहता बुलाओ, कहता पोती खोलो इतिहास की, कहता देखो आ एक मोरदगे नाम का बंदा से, मेरे रात को चैन नहीं आए कि इन्हें मेरी जान बचाई से, एक दिन इन्हें कोई भलाई की। कहते जी नहीं जी, इन्हें जान बचाई कुछ भी नहीं, इन्हें जी मोरता से इतनी। वो कहता बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उन्हें भलाई करनी है, उन्होंने बुलाया, कहते मोरदगे तू उस दिन मेरी जान बचाई सी, आ ला तेरा पद उच्चा किया गया, हूँ तू मेरे राज के नाल मेरे नाल खड़ा हो खड़ा करेगा। मतलब मैं क्या जेडे तेरे पैसे दबे हुए ना लोगों ने प्रेयर च बदल, टका नहीं आएगा उन्होंने जब तक देंगे नहीं, नींद नहीं हो रहा। अगर तुम धन्यवाद नहीं दोगे थानू नींद नहीं आनी, धन्यवाद करना भुल गए ना प्रभु का, अगे वो कदे नहीं आना, बंद रहना उत्ते सील बंद। प्रभु ने पहले का धन्यवाद नहीं किया, इन्होंने मैं बाइक दी सी, एक दिन धन्यवाद प्रभु जी डब्बा चढ़ा के चर्च में लै बस पूरा हो गया, मगर शुरू करता प्रभु हम गड्डी आ जाए। साइकिल वाला कह रहा है काश मेरे तो बाइक होवे,
ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਅਲਟੋ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਰੂਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਰਨਾ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਸਡੀ ਵਾਲਾ ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਯੂ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਬੀ ਐਮ ਡਬਲਯੂ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰਸਡੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਰੱਖੋ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਹੋਰ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੋਛੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਥੱਲੇ ਆ, ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਇਸ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਚਰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲੂਗੀਆਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਤੀ ਹਜੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਆਉਣ ਚਰਚ ਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਤੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਯਿਸੂ ਕੋ ਆ ਜਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਯਿਸੂ ਕੋ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਸ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਯਿਸੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮਨ ਫਰਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਧਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਮਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਲੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕ ਡੀਪ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਅੱਜ ਗਿਰਦੇ ਪਤਾ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਟੁੱਟੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਠ ਕੱਢਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲ ਬਈ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਿਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਲੇ ਰੋਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਡੈਵਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਗਲਤ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਡੈਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੱਕ ਉਹ ਤੱਕ ਕਿਆ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਰਸਤਾ ਜੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 8 ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖ ਲਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਡੈਵਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਉਪਵਾਸ ਬੜੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਨੇ ਖਾਸ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਲੇ ਲੋਈ, ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਗ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਲੋਈ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆ ਮਗਰ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਪੱਕਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹਾਲੇ ਲੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ, ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ
अगर डेवल कदे भी अटैक कर रहा है, रात नूं अटैक कर रहा है, गलत विचार पा रहा है, कुछ गलत करवा रहा है, वो करने वाले तुसी नहीं है, डेवल है धक्के ना करवाने वाला। साढ़े मन से है तुसी अपने नूं पापी मानते हैं या तुसी अपने नूं निर्दोष मानते हैं। हालेलुया। जिहदे विच तुहाडा तुसी एग्री नहीं है, तुहाडा विवेक बचा होना चाहिए, डेवल कुछ भी करे। हालेलुया। साडा विवेक सुरक्षित रहना चाहिए, साडा मन साडा विचार दे विच कदे भी पाप नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अपने मन नूं विवेक नूं बचा के रखो। स्थान बोले तू पापी है, तू पाप किया, तू हुण ऐ किया, तू हुण गिर गया। अगर तुहाडा विवेक मरिया तो तुहानूं उदों सॉरी मंगन की लोड़ है और उठन की लोड़ है। अगर तुहाडा पता है मेरे विच मेरा एग्री नहीं है, मैं दोषी नहीं है, प्रभु जो भी होया मैं दोषी इसलिए हाँ प्रभु कि मैं रात को बिना प्रार्थना तो सुता और शैतान मेरे सपनों के गंदे काम लेके आया, मैं बिना प्रार्थना तो सुता। जब तुम बिना प्रार्थना सुनने सौने शैतान आता, एक बार प्रार्थना करके सौवो देखो तो मैं गॉड आके ब्लैस करे यीशु के नाम। प्रेयर करके सौवो देखियो कितना रिजल्ट आएगा। कोई बिना प्रेयर तो सौने शैतान ने आना ही है ना। रात को बिना प्रार्थना तो सुनने प्रभु मैं सौन जा रहा बस प्रार्थना करो, तुम क्या मैं मिठी प्यारी नींद देवगा, मिठी प्यारी नींद देना, सपनों द्वारा गल करना, दसना द्वारा आना, मेरे ना गल करना, मैंने पवित्र आत्मा ना भरा, सुबह उठा आत्मा ना भर जावा, तेरे नाम की महिमा करा बस परमेश्वर। तो फिर की है पवित्र आत्मा आएगा, शैतान नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप यीशु के लहू च कवर करके अनॉइंटिंग ऑयल लगा के तुम सुते हैं। किदा शैतान आ जाएगा, वह लहू इन्ना कमजोर नहीं है कि जिथे तुम लगाओ उत्थे शैतान आ सके। हले लोहे लहू च सामर्थ है, हले लोही है, ताकतवर है, शैतान हारिया होया कमजोर है और किक मार के उन्होंने भजाओ जिथे मर्जी। हले लोही। तो इसलिए क्या है उस पहले डेवल ने लड़ना जो ताड़ी मैरिज के विषय से कार्य करता, जब तक तुम गिरी गए उद तक ताड़ी मैरिज लेट हो जानी है। याद रखो जब तक पाप के गिरी गए मैरिज लेट हो जाएगी, मैरिज लेट हो जाएगी, लेट हो जाएगी। जब तुम खड़ गए पवित्र दाई के मैरिज हो जाएगी यीशु के नाम से। और मैं जो प्रेयर करता अपनी अखा बंद करो, हर जो डिले यीशु मसीह के नाम से कमांड करता, हर जो डिले और देरी ताड़ी मैरिज शैतान के वलों है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जा प्रभु यीशु के नाम दे विच, आजाद हो जा पवित्र आत्मा की अग आए। बोलो होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। बोलो अग उतरे, अग उतरे, पवित्र आत्मा की अग उतरे और दुष्ट आत्मा चली जाए। बोलो मैं आजाद हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर हर रोज जो देरी तेरे वालों आ मैनू परखण दे लई आ, मैनू मजबूत करन लई आ, मैनू तैयार करन लई आ, तेरी इच्छा पूरी होए, तेरी मर्जी पूरी होए, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आ, आमीन, हालेलुया। इसलिए सब तो पहला जो ताड़ी ताड़ा मेल खांदा, जो ताड़ा पार्टनर होना चाहिए वो ताड़ी की है, ताड़ी कॉल नू समझे। हुण मैं एक दो गल्लां करके मैं फिनिश करांगा। ताड़ी उह कॉल नू जरूर समझदा होए मैं ताड़ी कॉलिंग की है, पहला तुहानू अपनी कॉलिंग पता होवे। मैं वही संडे किया से उन्होंने तुम दसा अपनी बुलाहट को पहचानो, तुम अपनी कॉलिंग पता हो, वही कॉलिंग के दाने जो पवित्र रहोगे तो ही बुलाहट जाहिर होनी थोड़े उ। बुलाहट की है? होलीनैस हर चीज़ का हल है, पाप हर चीज़ का जड़ है, समझ गए ना। पाप हर चीज़ का जड़ है, पवित्रता ही हर चीज़ का हल है। पाप हर चीज़ का जड़ है, बिजनेस खराब होने का जड़, ताकि मैरिज ना हो जड़, बेबी ना हो जड़, पति पत्नी बन ना बन का जड़, गरीबी आने का जड़, कर्जे थले आने का जड़, कौन है सा पाप। हर चीज़ का हल की है, पवित्रता ही। ताकि मैरिज भी ब्लैस होगी, बिजनेस भी ब्लैस होएगा, बच्चे भी आशीष होंगे, घर भी बन गए, आशीष भी होंगे, पवित्रता ही हर चीज़ का हल है। हालेलुया है। प्रभु ने कहा मैं पवित्र है, तुसी पवित्र बनो। इसलिए सब तो पहले कॉल नू ताड़ा सपोर्टर, ताड़ा जो हैल्पर है, कॉल ना समझे, कॉल नू समझे। मान लो कई वेले कई रिश्ते ज़्यादातर पहले इदे होंगे सी, एक लड़की नू बुलाया जाता सी, लड़के नू बुलाया जाता सीगा। मैं पुराने बुढ़िया भी कई याद करता जिन्होंने इतने ही लड़कियां थोपती अपन जिते भी देखिया, जिते भी आया रस्ता कर लो, लड़की ने कोई लड़के की गल नहीं कि कोई मेल मिलाप नहीं। हाँ जी ठीक है जी, मैं काम करता कर रहा हूँ, पीता तो नहीं खाता, पीता तो नहीं, कुछ नहीं खाता पीता जी साडा मुंडा, वो बाद चो पता लगता छा ही कुछ नहीं है। अरे वो बनतियाँ मिनट से पुरानी, अज उ लड़कियां जी टुटे टुटिया बड़िया एजड आ, पति नशिया के अज तक देखिए तीमिया, जिन्होंने तीमिया कह सकते हैं बड़ी एज के, वो इतने मत कि लाइफ रहा, वो इतनी बंद दी उन्होंने बुढ़िया ने पुराने ने इतनी बंद दी, जिधर देखिए चलो जी बंद हो जी घर में जब मैं भी की कहें बोझ लाना, वो आशीष है घर के बच्ची थोड़े लिए बोझ समझे, इसलिए तुम बोझ लैके बैठे हैं, वही सुनो बच्ची घर पैदा हुई है, ये मेरे नाम उच्चा करेगी। कई ने दो दो बच्चे दोनों हैंड च नशे च, कई एको बच्ची है डॉक्टर बनी है, अपने घर की सपोर्ट खड़ी है। हाले लोई
तो इसलिए लड़कियां माड़ियां नहीं है, लड़कियां माड़ियां नहीं, लड़कियां ब्लेस है, हालेलुया। लड़कियां बाइबल च ब्लेस है, यीशु मसीह नूं पैदा करने वाली मरियम, हालेलुया। एस्तर उच्ची की गई, रूथ उच्ची की गई, हालेलुया। ब्लेस ब्लेस है लड़कियां जड़ियां जिन्होंने मतलब अच्छी एग्जाम्पल बनी है लोगों के लिए, हालेलुया। तो इसे लिए क्या आया, सब तो पहला अगर कोई आपस गल करन दा किसी नूं मौका मिलता उनकी बुलाहट जानी, तुहानूं बुलाहट समझनी पैनी है। ताड़ी बुलाहट हैगी है बाहरली, ठीक है, लप लो आइलेट्स वाली आत्मिक, पर बुलाहट तो समझो अपनी। ताड़ी बुलाहट घर च रहने वाली है, फैमिली नूं संभालण नूं तुहानूं लड़की चाहीदी है, चाहीदी कदे लई है। अपनी बुलाहट पहचानो, फिर देखो ताड़ी बुलाहट की है, बुलाहट दे नाल मेल खांदी है। ताड़ी कॉलिंग नूं समझे, ताड़ी मिनिस्ट्री नूं समझे, ताड़ी बुलाहट नूं समझे, और ताड़े लिए एक सपोर्टर होवे। देखो कि मेरी कॉलिंग नूं मेल खांदी है, मेरी बुलाहट नूं समझे, अपनी बुलाहट दीआं गल्लां करो। जो ये बोल रहा कि आत्मिक गल्लां लै, इधर प्यार दीआं वी गल्लां कर लिया कर, आ की करी चर्च चर्च सेवाओं सेवा, अज मैं इन्ने बपतिस्मे दित्ते, अज मैं इहनूं वचन सुनाया है। तुसीं देखो देखो तां वी सिर्फ ताड़ी गल्लां नूं समझदी, ताड़ी कॉलिंग नाल मेलजोल भी है। ताड़े लिए सपोर्टर हैगी आ, सपोर्ट करेगी तुहानूं अगे वधण दे विच। यही देखना पैना कि तुहानूं अगे वधण दे विच सपोर्ट करेगी, अगे वधण वधाण दे विच प्रभु दे विच बुद्धिमान आ, कि तुहाडा हसबैंड तुहाडी सपोर्ट करेगा, ताड़ी रक्षा करेगा। ताड़ी अगर फैमिली च कोई भी सस नौ तंग कर रही है, हसबैंड ताड़े लिए खड़ेगा। तुहानूं ताड़े लिए लिखिया मनुख अपनी माता पिता तो अलग होकर अपनी पत्नी नाल मिलिया रहेगा। जो एक ब्याह जाता, एक हसबैंड जां औरत ब्याह जाते हैं, वो अपने माता पिता तो अलग होकर सब तो प्यार उहदा ज़्यादा अपनी पत्नी नाल हो जाता है, हालेलुया। इहदा मतलब यह नहीं है कि अपने माँ पिता प्यो नूं भुल जाए, और ना ही जिहड़ी औरत ब्याही जाती है उहदे लई उह पेका पेका कुछ हुंदा। जिहड़ी पेका पेका करदी रहिंदी है ना ब्याह तो बाद, मैं मायके जाना, अपने पेके जाना, अपने है ना, वह घर कदे नहीं सट रहा, तुहानूं भुलना पैंदा। वह असली माँ बाप उहनूं उही है जिहड़े ब्याहे गए, जिथे ब्याहे। ये गल्लां मैरिज कपल्स लई आ, उहनूं आपां दसांगे जदों मीटिंग्स होएगी। पर अगर उस तो बाद ताड़ी सपोर्टर होवे, ताड़ी बुलाहट नाल मेल खांदी होवे, और क्या आ, ताड़ी कॉल नूं समझदी होवे, ताड़ी जिहड़ी कॉलिंग उहदे विच फिट आ सके, जिहड़ी ताड़ी कॉलिंग उहदे विच बिल्कुल फिट खांदी हो सके, नहीं तां की तुसीं खत्म हो जाना, ताड़ी लाइफ खत्म हो जानी अगर ताड़ी कॉलिंग नाल मेल खांदी फिटिंग नहीं हुई, हालेलुया। और कदे भी इमोशनली मैरिज नहीं करनी, जो अज सिख्या, कदे भी फाइनेंस पैसा देख के धन दी पोताज देख के मैरिज नहीं करनी। अंदरूनी देखना, मन देखना आ, वफादारी देखनी है, परख करो उन्हों, तुहानूं परखण दा आत्मा चाहिए प्रेयर दे विच, तां जो तुसीं परख सको। क्योंकि मनुखता बाहरी रूप नूं देखदा, यहोवा दिल की गहराइयां नूं अंदरों देखदा। अगर परमेश्वर अंदरों चोण करदा तां तुसीं भी अंदरों चोण करनी है, हालेलुया। दाऊद दे सारे भरा वड्डे वड्डे तंग तंदरुस्त वड्डे वड्डे, सैमुअल सोचदा इहनूं मसा करा, इहनूं मसा करा, सारे जदों निकल गए। इको छोटा बेटा सी जंगलों से भेड़ बकरियां चारदा, कहिंदा उहनूं बुलाओ, जदों उह बोलिया प्रभु कहिंदा इहदा अभिषेक कर, तूं तां लोकां दे बाहरी रूप नूं देखदा सी, मैं मन नूं देखदा, इहदा मन मैनूं प्रसन्न है, हालेलुया। इस लई मन सही है तां दाऊद दी तरह राजा बनेगा इक दिन, हालेलुया। मन सही होना चाहिए, कोई नहीं अज एक दो कमियां है तुहाडे नाल जुड़ेगा, तुसीं सपोर्टर बनोगे, उहनूं गाइड करोगे, होर पवित्रता च हो जाएगा, वधिया हो जाएगा। मान लो अगर एक लड़की हुण गलत जगह ब्याहे भी चली जाती है, फिर की करे? मान लो अगर उहदी फैमिली दे विच उहदी मैरिज हो चुकी है, जां गलत जगह ब्याही जा चुकी है, हुण की करे? हुण रोण ना कुछ नहीं होना, वो मेरा हसबैंड ने खांदा आ जी, पींदा आ जी, इहदा शराब पींदा, मैनूं चर्च नहीं जाण दिंदा। रोण की लोड़ नहीं, उहनूं उहनूं बिलीव होना चाहिए अपनी प्रेयर उत्ते, मैं 40 रोजे रख के इहदे लई प्रार्थना करूँगी, नशा छड्डेगा इशू दे नाल, इह बदल जाएगा इशू दे नाल। उन्होंने रोन की लड़ नहीं है कि उन्होंने अपनी प्रेयर से बिलीव नहीं है, मैं प्रेयर करूंगी, रोजे रखूंगी, नाइट प्रेयर करूंगी, शैतान दे लाऊंगी जुत्तियां दे, ये बदलेगा यीशु मसीह दे नाम से। तो टेंशन लेने की कोई भी गल नहीं है, हर लिखा बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाई लेंदी है, चाहे जिदा मर्जी बनावे, हालेलुया। उसकी बुद्धिमान है, चाहे किदा ना भी मर्जी है, तुम घर बनाओगे और गवाही बनाओगे, मेरा हसबैंड इदा सी, मेरी प्रेयर ने जित लिया। जितने मैं मामा नूं कहिंदा, जिहड़ी मामा अपने बच्चों लिए प्रेयर करदी, उह कदे दसूगे बच्चे आके कि मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए प्रेयर की, अज मैं इतनी वड्डी पोस्ट उत्ते हैं, हालेलुया। अज मातावां दी प्रेयर नहीं है जी, मेरे बच्चे लिए प्रार्थना कर दो जी, तुसीं किन्नी करदे आ जी, कित्थे जी, कित्थे हुंदी प्रार्थना? नींद बड़ी आउंदी है, आवासियां बड़ी आउंदियां, जदों करदे आ डर लगदा, फिर असीं करीदी नहीं, कौन डरे, कौन शैतान नाल लड़े? अपने हत्थ नूं उठाओ, कहो परमेश्वर मेरी बुद्धि खोल दे, मेरी अखां खोल दे, मैं वह देख सकूं जो तुसीं दिखाउणा चाहुंदे हो, इस तों बाद मेरे ख्यालों बदल दे, मेरी सोचा बदल दे।